हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे किस टाइप से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो। जब हम लोग यहाँ पे अपना न्यू चैनल को क्रिएट करते हैं ना, तो हम लोग के पास बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आता, हम लोग के पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होता, हम लोग किसी भी ऐसे सब्सक्राइबर को नहीं जानते जो कि हमारा वीडियो को देखे। तो आप लोग किस टाइप से अपने स्टार्टिंग के व्यूज़ ला सकते हो, अपने स्टार्टिंग के वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ को ला सकते हो, यही आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग चैनल जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए और आप लोग का वीडियो यहाँ पे काफी रैंक हो जाए। क्योंकि जो भी नए नए यूट्यूबर होते हैं ना, वो बस इतना ही चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से कोई भी मेथड से हम लोग का वीडियो यहाँ पे हाई रैंक पे पहुंच जाए और हम लोग का वीडियो यहाँ पे वायरल हो जाए और हम लोग का चैनल भी यहाँ पे वायरल हो जाए। तो अगर आप लोग ये करना चाहते हो, मतलब अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग व्यूज लाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग का यहाँ पे न्यू चैनल होता है तो हम लोग किसी भी यूट्यूबर को यहाँ पे नहीं जानते, किसी भी सब्सक्राइबर को यहाँ नहीं जानते। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे चैनल पे व्यूज कम आते हैं। सो मैं आप लोगों को सबसे पहला तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज ला सकते हो। तो पहला जो तरीका होता है ना, वो होता है फ्रेंड्स, मतलब कि आप लोग का जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं ना, उन सभी भी फ्रेंड्स के पास आप लोग अपने वीडियो के लिंक को यहाँ पे शेयर करिए, जिससे कि आप लोग को ये होगा कि आप लोग को यहाँ पे उन लोगों का जो व्यूज है वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन साथ में उन अपने दोस्तों को ये जरूर बोल दीजिएगा कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हो ना, तो वीडियो को पूरा देखिए एंड चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग जिस दोस्त को यहाँ पे अपना वीडियो का लिंक यहाँ पे सेंड करोगे, वो उस टाइम पे वीडियो को तो पूरा देख लेंगे, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन बाद में आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है कि यूट्यूब को ऐसा लगता है कि आप लोग के कॉन्टेंट में यहाँ पे कोई भी दम नहीं है, आप लोग कॉन्टेंट बहुत ही बेकार बनाते हो, ठीक है। सो आप लोग को अपने आप लोग ने भी यहाँ पे दोस्त है ना, उन सभी दोस्त से एक यहाँ पे लिस्ट बना लीजिए एंड उन सारे दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त को यहाँ पे अलग करिए ना, जो कि आप लोग के कंटेंट में यहाँ पे इंटरेस्टेड हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग का कोई दोस्त डांस देखने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो आप लोग अगर डांस का वीडियो बनाते हो तो अपने वीडियो के लिंक को उसके पास सेंड करिए, ठीक है, जो कि डांस देखने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि भाई जब हम लोग को वीडियो पसंद आएगी तभी हम लोग वीडियो को देखेंगे ना, इस बात को आप लोग को समझना होगा, तभी आप लोग जो वीडियो है काफी ज्यादा रैंक करेगी। दूसरा जो हमारे पास तरीका आ जाता है, वो होता है हमारा सोशल मीडिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सोशल मीडिया पे काफी सारे फ्रेंड्स जुड़े होते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम। तो जो भी आप लोग को यहाँ पे सोशल मीडिया यूज करते हो, उस सोशल मीडिया पे अपने कुछ दोस्त बनाइए, अपने नए दोस्त बनाइए और उनसे पूछिए कि आप लोग को आप लोग के कॉन्टेंट पसंद आता है या नहीं, उनको कौन सा कॉन्टेंट पसंद आता है। अगर वो लोग आपके कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड है तभी आप लोग अपने वीडियो के लिंक को यहाँ पे सेंड करिए, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर में ना ये वाला तरीका काफी ज्यादा फायदेमंद होता है एंड इससे काफी ज्यादा व्यूज भी यहाँ पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में व्यूज लाने का हमारे पास तीसरा तरीका होता है YouTube। कैसे भाई? देखो, YouTube पे भी आप लोग चाहो तो व्यूज ला सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर मेरा इस कैटेगरी का बात किया जाए, तो मेरे को यहाँ पे मैं टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, YouTube से रिलेटेड नॉलेज मैं आप लोग को देता हूँ, तो मेरा जो भी इस कैटेगरी का जो अलग YouTube चैनल है ना, उस पर जो कमेंट आती है, उस कमेंट में आप लोग को जाना है एंड उन लोगों को यहाँ पे रिप्लाई करना है कि भाई मेरा भी इसी टाइप का यूट्यूब चैनल है एंड मैं इससे अच्छी वीडियो बनाता हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी आप लोग जिस बंदे को भी यहाँ पे मैसेज करोगे ना, वो आप लोग चैनल पे आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 20 बंदों को मैसेज करोगे तो कम से कम 5 बंदे तो यहाँ पे आएंगे ना यार। तो 5 बंदों को सिंपल से क्या करना है कि आप लोग अपने बोलना है इस टाइप से, और जैसे वो आप लोग के कंटेंट को देखेंगे तो 5 में से 2 बंदे आप लोग को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। इससे आप लोग का चैनल भी यहाँ पे सब्सक्राइब में जाएगा, आप लोग का चैनल भी यहाँ पे काफी ज्यादा वायरल हो जाएगा एंड आप लोग का वीडियो तो वायरल होगा ही, क्योंकि आप लोग वीडियो को वो लोग देख करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इससे आप लोग का वीडियो का व्यूज भी बढ़ेगा, वीडियो का यहाँ पे ज्यादा वॉच टाइम भी बढ़ेगा और वीडियो का सब्सक्राइबर भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर 3 ऐसा तरीका दिया हूं, जिस तरीके के हेल्प्स करके, मतलब जिस तरीके का यूज करके आप लोग यहां पे अपने स्टार्टिंग के चैनल पर यहां पे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर को ला सकते हो, काफी ज्यादा व्यूज को ला सकते हो, ठीक है। एंड इन 3 तरीकों का मैंने भी यूज करा था। अभी मैं यहां पे एक चैनल यहां पे चला रहा हूं, जो जिस पे आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो मैंने स्टार्टिंग में इस चैनल पे भी यही तरीका आजमाया था एंड आज मेरा चैनल कुछ ही मतलब वायरल हुआ है, लेकिन हो गया मेरा वायरल, समझ जाओ यार। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और इसी टाइप के वीडियो आप लोग को हमेशा देखने को मिलते, जिससे कि आप लोग का YouTube पे काफी ज्यादा जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोग का चैनल यहाँ पे वायरल होगा, आप लोग का वीडियो भी वायरल हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी ना, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।